बच्चों से कराया जा रहा था 100 रुपए में दिहाड़ी। विधानसभा चुनाव, बच्चों से कराया जा रहा प्रचार। पेपर बांटी की आवाज में 100 से 50 बच्चों को दिया जाता है। मामला बस्ती जिले के कप्तानगंज। विधानसभा में चुनाव आयोग के निर्देशों की उड़ाई जा रही धज्जियां। समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी द्वारा उड़ाई जा रही हैं नियमों की धज्जियां। चुनाव में बाल श्रम है प्रतिबंधित, वही समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी द्वारा नौनिहाल बालकों से बंटवाए जा रहे हैं पेपर बैलेट। बच्चों ने बताया मिलता है 100 रुपये तक दिहाड़ी। अबोध बच्चों से करवाया जा रहा है बाल श्रम। बच्चे बांट रहे हैं समाजवादी पार्टी के घोषणा पत्र। ऐसी कमियों पर प्रशासन पूरी तरह से मौन। प्रशासन नहीं कर रहा कोई भी कार्रवाई। ऐसे में कैसे निष्पक्ष चुनाव करें। रैली में प्रचार करता है नाबालिग बच्चे। बस्ती से अनिल शुक्ला की रिपोर्ट। हंस नाम है तुम्हारा, क्या नाम है? विराट। ये पर्चा बांट रहे हो, किसका है ये? अतुल भैया का। कितना देते हैं तुम लोग को? 350 रुपया देते हैं और दिन भर ही बंटवाते हैं? हाँ हाँ अच्छा, सुबह से ये 2 बजे तक बांटेगा, आप पढ़ने चले जाते हो? नहीं, सुबह हम भी 2 बजे तक बांटेंगे, फिर हमें ट्यूशन घर कहाँ तुम्हारा? घर कहाँ है? घर तुम्हारे पापा का क्या नाम है? कितने दिन से बांट रहे हो? कबो कबो 100 रुपया देते हैं और कबो कबो 300 दे देते हैं। हाँ आज मेला देवी हैं। अच्छा मेला लगा था, रात ही मेला लगा था। चल।